अपना काम कर लो, क्या करना है वो तो मैं कर, ये मेरा ही काम है। हाँ वो तो मेरा ही काम है। हमारे जैसे पता नहीं कितना मोबाइल लेके आते हैं, वैसे करके कितने आते हैं ना। जब नौकरी जाएगी ना तब पता लगेगा। अरे नौकरी हमारा झाड़ू वैसे करके उधर बैठ जाओ बेटा, तो फोन भी। नमस्कार, मैं हूँ तोशी मेंदोला और आप देख रहे हैं तोशी टॉकीज। केजरीवाल की सरकार को पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल सरकार बता रहे हैं कि अस्पतालों की जो सुविधाएं अस्पतालों में वो काफ़ी अच्छी कर दी गई हैं और लोगों को मुफ्त इलाज हो रहा है अच्छे तरीके से। पर यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बता रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की असलियत। ठीक है, तो मैम क्या इशू है आपको लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में अभी? जी, मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में कल आई थी रात के टाइम इमरजेंसी। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो यहाँ पे चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपका अल्ट्रासाउंड होएगा और चेकअप होएगा। 2 इंजेक्शन तो लगाए थे डॉक्टर ने, बट उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। उन्होंने कहा सुबह OPD में आप अल्ट्रासाउंड कराना और डॉक्टर से चेकअप कराना। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए यहाँ पर, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने अगले महीने की 7 तारीख की डेट दी है। तबीयत खराब उनकी आज है और उनके पेट में इतना अभी भी दर्द हो रहा है। किनकी तबीयत खराब है? आपके मेरे हस्बैंड की। हाँ है वो, ये रहे मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आपको क्या हुआ है पेट में? जी मेरे पेट में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा है। मैंने यहाँ दिखाया था, उन्होंने बोला जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। रात को भी इमरजेंसी में आया हूँ, उन्होंने बोला कल आके OPD में दिखाना, OPD में दिखाने का तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा, उस जब पता चलेगा आपकी बीमारी क्या है। तो आज दिखाया तो ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड अगले महीने में होगा 7 तारीख का, जब तक बंदा के तो मर जाएगा। मतलब कि जो रिपोर्ट, अगर कोई यहाँ पर बीमार आदमी आता है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए इमरजेंसी में, तो उसे 1 महीने बाद की डेट दी जाती है 7 तारीख की। तब तक के लिए, तब तक क्या वो इंसान जीवित रहेगा भी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, अंदर कैंटीन भी है, तो कैंटीन में किस तरीके का सामान मिल रहा है? कैंटीन का बहुत ही बुरा हाल है, 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में दे रहे हैं और ऊपर से यूँ कहते खुले लाओ हैं, 20 रुपये का सामान लो जब भी यूँ कहते खुले लेकर आओ। कोई बंदा कहाँ से खुले लाएगा? अंदर सामान देने के लिए बैठो, जब भी आप सामान नहीं दे रहे हो कहाँ जाए? बच्चे जरा जरा से रोते हैं और लेडीज़ों का भी यहाँ पे विंडो खोलते नहीं दवाई के लिए। एक विंडो खोल रखी जिसमें लेडीज प्रेगनेंसी की हालत में भी अपने बच्चों को लेकर लाइन में लगी हुई है, इतनी परेशान हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सुबह 6 बजे की आई हुई है, 8 बजे विंडो नहीं खोल रखी है, सिर्फ एक विंडो खोल रखी है और लेडीज इतनी परेशान हो रही है, भैया खोल दो, नहीं खोल के राजी है, सिर्फ एक विंडो खोल रखी है, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं इसमें। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई सामान आप बड़े दाम में दे रहे हैं, 10 रुपये का सामान अगर आप 20 रुपये में मिल रहा है, तो कितना लायक है ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल और कितना केजरीवाल सरकार अपने काम में यहाँ पर बिल्कुल सार्थक और सही दिख रही है। मेरे हस्बैंड ने अभी कंप्लेंट भी की थी यहाँ तक कि उनके अल्ट्रासाउंड के ऊपर, उन्होंने बोला, अंदर गार्ड ने बोला कि आप जाके अंदर बड़े ऑफिस में बात करो। बड़े ऑफिस में गए बात करने, उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, आपका एक अगले महीने ही होएगा अल्ट्रासाउंड जो भी होएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने 1031 पे कॉल भी किया था केजरीवाल जी के नंबर पे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 24 घंटे बाद आपका कोई एक्शन होएगा। 24 घंटे तक मेरे हस्बैंड की तबीयत ऐसी ख़राब रहेगी, मैंने ये बोला उनसे है ना, हर तरीके से अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है वो कहाँ कहाँ जाए कंप्लेंट करने के लिए। मैम आप भी लाल बहादुर के अंदर जा रहे हैं क्या? नहीं हो गया तो यहाँ पर सुविधाएं सही मिल रही हैं आपको? हाँ हाँ सब कुछ सही है। हाँ हाँ दवाइयाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है इसमें, सब बेकार है, कोई नहीं सुनता यहाँ पर। लाइन में ही मिलेगी ना, हर चीज़ लाइन में मिलेगी, बगैर लाइन के तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना? आपको क्या दिक्कत है? ना तो लाइन में मिलती और ना ही इमरजेंसी में कोई केस लेके आओ तो डॉक्टर अपनी लापरवाही करते, ना कोई सुनते, ना कोई, भाग जाते डॉक्टर, बोलते रहेंगे मरीज को ये परेशानी हो रही है, ये हो रहे, तो दिक्कत है, हाँ हाँ कर रहे बस ये बोलते रहते, कोई कुछ करता है तुरंत कर देते हैं, कोई आता है दिखाने के लिए तो तुरंत रेफर कर देते हैं यहाँ से केस। रेफर कहाँ करते हैं? GTB चले जाओ, एम्स चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। मतलब आपको सरकार की तरफ से हॉस्पिटल जो है यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से सही इलाज नहीं मिलता, तो मतलब इसे बंद ही हो जाना चाहिए? बंद ही हो जाना चाहिए मैडम। ठीक है, और सुविधा नहीं है मैम यहाँ पर, बिल्कुल भी बहुत लापरवाही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। अच्छा, कैंटीन भी है अंदर, खाने पीने का सामान वो सब सही मिल रहा है? नहीं, ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली है सारा सामान। भैया ये 20 रुपये का क्यों है? पर ये 20 रुपये का क्यों है? हाँ 20 रुपये का क्यों है? 15 रुपये लिखा है, 20 पड़े हैं क्यों? वो तो 15 लिखा था अभी आपने।
अभी ये बताओ मुझे उसके लिए, इसके लिए फ्रूट में कौन सा है, स्लाइस में क्या है, उसमें एक एप्पल का है, मैंगो है, मैंगो वाले दो। ये वाला कितने का है भैया? वो फ्रूटी कितने की है? फ्रूटी 20 रुपए की है। वो तो 15 रुपए रेट लिखा है उस पे। मतलब फ्रिज में रखने की 5 रुपए एक्स्ट्रा, फ्रिज में रखने की। अरे गरम है, 15 रुपए की है, मतलब दे दे। वही तो पूछ रही हूँ, फ्रिज में रखने के 5 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब फ्रिज में ठंडी रखी हुई है उसके बाद भी। क्यों, मैंने अभी उस समय लिया नहीं था, मैंने उस समय लिया नहीं था। वो क्या रखी है फ्रिज के अंदर ठंडी, वो क्या रखी है, वो ठंडी क्या रखी है? ठंडी है वो, निकालना जरा, निकालना जरा। मतलब 20 रुपए की फ्रूटी, 15 रुपए की फ्रूटी 20 रुपए में दे रहे, इतना काला बाजार है। वो तो मैंने देख लिया था पहले ही। जा अपना काम करो, जा बोलेगा मुझे, जा बोलेगा अपना काम कर लो, क्या करना है वो तो मैं कर ही, ये मेरा ही काम है। हाँ वो तो मेरा ही काम है। कितना मोबाइल लेके आते हैं ना, जब नौकरी जाएगी ना तब पता लगेगा। अरे नौकरी हमारे झाड़ू पैसे करके उधर बैठ जाओ, मैं तो फोन भी छीन के रख लूंगा। दिखाते रहो अपनी बदतमीजी, दिखाते रहो अपनी बदतमीजी।